रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह, 81 लाख से ज्यादा किसानों को 1,624 करोड़, एक बार जोरदार तालियां बजाए मंदसौर, ऐसा नेतृत्व जो हमारे प्रदेश को मिले हैं। तो हेलो दोस्तों, सीएम किसान कल्याण योजना से लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज, बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया आपका भाई आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है आपके लिए कि सीएम किसान कल्याण योजना से लेकर जो लोग अभी तक वेट कर रहे थे 10वीं इंस्टॉलमेंट का, उसका यानी कि जो अपडेट है आ गया है। आज की इस वीडियो में पूरी हम आपको बताने वाले हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना जो है मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। दीपावली में यानी कि तोहफा मिलने वाला है, धनतेरस को यानी कि 29 अक्टूबर को बहुत ही जल्द आपके यानी कि अकाउंट में, सभी के बैंक अकाउंट में यानी कि क्या पहुंचने वाला है, दीपावली का बोनस के साथ और सीएम किसान कल्याण का जो है पेमेंट आने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीन का दिखा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर दिया है दीपों के त्योहारों से पहले बढ़ती खुशियाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा प्रदेश में 81 लाख से अधिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1,624 करोड़ की सहायता राशि का होगा स्थानांतरण। मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मोहन यादव से रहेगी गरिमाई उपस्थिति और 29 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर आप स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा होगा कि जो बताया गया किया गया है ये आपका यानी कि पेमेंट पहुँचा दिया गया है जैसे। और यहाँ पर एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया किसान कल्याण के लिए संकल्प, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 6,000 प्रतिमाह जो देती प्रतिवर्ष जो देती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लेकर योजना जो है 6,000 प्रतिमाह देती है, जिसमें मध्य प्रदेश किसानों के प्रतिवर्ष कुल 12,000 की सहायता राशि जो है प्रदान की जाती है, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए जो की जाती है। और यहाँ पर यानी कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एमपी जो मध्य प्रदेश से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, जिसमें स्क्रीन शॉट आपको दिखा दे रहा हूँ, लगी है बाजू में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है कि आत्मनिर्भर और समृद्ध किसान मध्य प्रदेश की पहचान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को यानी कि कुल जो है 12,000 रुपये की सहायता की गई है, जिसमें ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका सब आपके अकाउंट में यहाँ पर, और एक स्क्रीनशॉट और भी दिया हुआ है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों की यहाँ पर अतुल सक्सेना के द्वारा ट्वीट किया गया है गूगल पर, यहाँ पर कहा गया मंगलवार को धनतेरस के मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को मिलेगा तोहफा और यहाँ खाते में आएंगे इतने रुपए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष में कुल राशि 6,000 रुपये यानी कि 3 समान किस्तों में यानी कि प्रदान की जाती है, जो 2,000 रुपयों की किस्त होती है। दोस्तों आपके अकाउंट में, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान कल्याण ये का जो है, ये सीएम का जो है बीएमपी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अपडेट निकल के आई है, सीएम किसान कल्याण योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दीपावली की खुशियों वाली होने जा रही है, जिसमें मानता धनतेरस से यदि घर में धन आएगी तो पूरे साल धन वर्षा होती है और संभव है कि किसानों को एक ऐसा ही तोहफा और एक ऐसा ही। दरअसल कल मंगलवार को धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के किसान कल्याण योजना की किस्त यानी कि जारी की जाएगी, 29 अक्टूबर को ट्रांसफर की जाएगी, इस दिन आपको यानी कि ये दिया। तो आज तो अगर डेट निकल गई हो, वीडियो लेट आया हो, तो जिन्होंने अभी तक चेक नहीं कराया वो अपने चेक करा लिया गया और ये अपने यानी कि मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए वीडियो है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है 2,000 रुपये जो सीएम किसान कल्याण योजना से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों वीडियो को ऐसे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।